ग्वालियर की सब इंस्पेक्टर ऋतु यादव को मिसेस एमपी, मिसेस सेंट्रल और मिसेस फिटनेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, ऋतु यादव ग्वालियर की रहने वाली हैं और सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इस कंपटीशन में भाग लिया था, जिसमें उन्हें यह सफलता मिली है। इसे लेकर उन्हें नगरवासियों ने बधाई दी है। सब हम बैठे हुए हैं यहाँ पर ऋतु यादव पुसाल करके जी क्या, जो अभी अभी इन्होंने 3 खिताब जीते। ये ग्वालियर की बेटी है और मैं आपको बता दूं कि ये एएसआई में है, भोपाल में इनकी पोस्टिंग है और इनको अभी दिल्ली से इनको ये नवाजा गया है। तो इनसे ही पूछूंगा इनके जीवन के पर्चे बारे में, इनको कैसे ये इनने अपने आप को मोटिवेट किया, क्यों इनने इतना ये अवार्ड दिए और इनका वेट क्या था, ये सब ये पूरी जानकारी मैं सुनूंगा। ऋतु जी, आपका चैनल पर स्वागत है। नमस्कार ऋतु जी, ये बताइए सबसे पहले कि आपको कितने अवार्ड मिले, कौन कौन से मिले? मुझे 3 अवार्ड मिले हैं अभी दिल्ली में, मिसेस एमपी, मिसेस सेंट्रल जॉन और मिसेस फिटनेस बीवा का अवार्ड दिया गया है अभी। फिटनेस बीवा? हाँ जी। तो ये आपको कैसा लगा कि मैं मतलब ये अवार्ड आपको कैसे मिले, आपने क्या ऐसा किया जो आपको अवार्ड? मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। लास्ट टाइम मेरा वेट था 76, अब मैं 62 पर वेट में आ गई हूँ। मेरे जो ट्रेनर है कासिम भैया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि दी आप कर सकते हैं। 5 किलोमीटर रनिंग, डाइट मेंटेन करना, वेट लिफ्टिंग, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड का है हर चीज़ में मुझे आगे करने का, चाहे वो मेरी नौकरी हो, चाहे वो मुझे पब्लिक में किसी भी चीज़ के लिए मुझे मोटिवेट करने का। अपने हस्बैंड के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जब मुझे उन्होंने हर चीज़ में मुझे आगे निकाला। हाँ, जुनून भी बोलिए कि शायद हम पहले जॉब के लिए प्रिपरेशन करते रहे तो मिस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अब सब सेटल हो चुके हैं हम बच्चों से, फैमिली से, जॉब से, तो क्यों ना हम ट्राई करके देखें। मेरा दिल में एक तमन्ना थी कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू। तो ये थी मेरे साथ ऋतु यादव पुसाकर, मैं योगेश बसारिया, एनके न्यूज़, ग्वालियर।